आज हम एक ऐसे विषय पर बात करेंगे जो आपके जीवन और सोच की गहराई को ऊंचाई तक ले जाएगा। हमारा आज का टॉपिक है डी यूनिवर्स। नमस्कार दोस्तों, यूनिवर्स एक अवस्था है जहां हम सब रहते हैं। यूनिवर्स का हमारे साथ एक गहरा रिश्ता है, एक रिश्ता जो हमारे अस्तित्व का सच है। इसकी प्रकृति और उसके अनंत त्रिकोण का एहसास हमें हमारी छोटी सी दुनिया की बड़ी बातें समझा जाता है। जब हम आसमान को देखते हैं तो हमें यूनिवर्स की गहराई और उसकी अनोखी रंगीन महत्वाकांक्षा का एहसास होता है। बुरी वही हमारे जीवन के चैलेंज और मोमेंट्स ऑफ जो होते हैं, वही हमारे सपने, उम्मीदें और नजरिए से जुड़े हुए होते हैं, जहां हमारे सारे सपने पूरे होते हैं। इस तरह के व्यक्तित्व निर्माण में हम यूनिवर्स की गहराई, उसके रोचक तरीके और रेखाओं को महसूस करते हैं। हम यहां अपने जीवन की चुनौतियां और आनंद के पलों से जुड़ते हैं, जो हमारे अस्तित्व का एक महत्वपूर्ण हिस्सा है। यूनिवर्स हमें हमेशा अपने संदेश भेजता है, लेकिन उसका संदेश सुनने के लिए हमारे अंदर भावना और संवेदना जागृत होनी चाहिए। हमारे दिल और दिमाग में स्थिरता और शांति होनी चाहिए, ताकि यूनिवर्स के डिवाइन शब्द हम तक पहुंचे सके, क्योंकि संदेश भेजना यूनिवर्स का स्वभाव है। यूनिवर्स अपने स्वभाव में अनंत शक्तियों को इनकॉर्पोरेट करता है। उसकी प्रकृति बहुत यूनिक है और वो हमारे जीवन में बहुत इंपॉर्टेंट भूमिका निभाती है। यूनिवर्स का स्वभाव हमें एक शक्तिशाली संदेश देता है। वह हमारी आंतरिक संवेदनाओं, सिग्नल्स या संकेत और मैनिफेस्टेशन या फिर अभिव्यक्ति की भाषा में हमसे बात करता है। जब हम इस संदेश को शांत मन से सुनते हैं तो हम यूनिवर्स के बाउंडलेस एग्जिस्टेंस के साथ जुड़ जाते हैं। यह भी हमारे जीवन की आकर्षक कहानी की शुरुआत होती है। यूनिवर्स अपने एक्सेप्शनल स्वभाव से हमें प्रभावित करता है। उसकी अनंतता, उसके रहस्यों की गहराई और उसकी सुंदरता हमें हमेशा आकर्षित करती है। जब हम अपने मन को खोलते हैं और अपने दिमाग को शांत रखते हैं, तभी यूनिवर्स का स्वभाव हम तक पहुंचता है। इसके लिए हमें अपने आसपास की घटनाओं और समय के साथ मिलजुल रहना चाहिए। जब हम ऐसा करते हैं, तब हम महसूस करते हैं कि हमारा अपना स्वभाव और यूनिवर्स का स्वभाव एक जैसा है। यह अनुभव हमें खुद से और यूनिवर्स से जोड़ रखता है। यूनिवर्स का जो स्वभाव है, न वह हमें हमारी असल रूप में रहने की प्रेरणा देता है, यह हमारे कॉस्मिक कनेक्शन की एक विशेषता होती है। यह कनेक्शन बहुत प्रेसिडेंट है। इसी कनेक्शन से हमारे ड्रीम्स, थॉट्स और होप्स जुड़े होते हैं। जब हम यूनिवर्स के स्वभाव से जुड़ते हैं, तब हमारे जीवन में लिमिटलेस पॉसिबिलिटीज बढ़ जाती है। इसी तरह जब हम यूनिवर्स के स्वभाव को अपनाते हैं तो वो हमें सुनता है। हमारे समय और स्थिति के साथ हमसे एक्सपीरियंसेस में, सिग्नल्स और उसकी अनंत वाणी में बात करता है। हमारे असल स्वभाव से जुड़े संदेश को हम समझ पाते हैं और हमारा इंडिविजुअल ग्रोथ उसकी संगति में होने लगता है। यही है यूनिवर्स का स्वभाव, जिसके मध्य से वह हमसे बात करता है। जब हम इस अनमोल संदेश को ध्यान से सुनते हैं और उसका समर्थन करते हैं, तभी हम उसकी आवाज सुनते हैं और हमारा जीवन उसकी सहायता से चमक उठता है। इसीलिए दोस्तों, आगे बढ़े और अपने आप को खोलें, ताकि यूनिवर्स का स्वभाव आप सुन सके। मधुर मधुर भाषा में बात करें, उसके अनंत राज को समझे और अपने जीवन को उसकी प्रेरणा से सजा दें। यूनिवर्स आपसे बात करेगा, बस आपको उसकी आवाज सुननी होगी। यूनिवर्स हमें संकेत भेजता है, हमारे ड्रीम्स में, हमारे परसेप्शन में या अंडरस्टैंडिंग में, या कई बार हमारे पास और फ्यूचर के साथ होने वाले संबंधों में। जब हम इस संकेत को समझते हैं, तब हम अपने मूल स्वभाव को पहचानते हैं और इसके साथ ही हमें समय और स्थिति के साथ जुड़े हमारी व्यक्तित्व की तस्वीर भी दिखाई देती है। यूनिवर्स एक समृद्ध स्रोत है जिसे हम संदेश प्राप्त करते हैं, लेकिन यह संदेश सिर्फ एक तरह का प्रकाश नहीं होता है। यूनिवर्स एक साथ सुनता है और हमारी प्रश्न का जवाब देता है। इसीलिए यह कहना सही होगा कि यूनिवर्स तुम्हारी सुनेगा और तुम्हें जवाब जरूर देगा। जब हम अपने मन की तरफ से यूनिवर्स की ओर संकल्प करते हैं, तो यूनिवर्स हमारे प्रति संवेदनशील होता है। यह हमारे सपनों, इच्छाओं और संकल्पना को सुनता है और हमें उसका सही मार्ग दिखता है। लेकिन इसके लिए जरूरी है कि हम अपने संकल्प और इरादे को प्रकाशित करें, ताकि यूनिवर्स हमारी आवाज सुन सके। यूनिवर्स हमें अपने संदेश भेजता है। जब हम अनुभवों के रूप में महसूस करते हैं, ये संदेश हमें अलग अलग तरीके से दिखते हैं, जैसे सिग्नल्स, इंडिविजुअलिटी और रिफ्लेक्शन। ये संदेश हमारे जीवन की हर पहलू में,
मौजूद होते हैं, जैसे कि प्रकृति के साथ संबंध, समय की गति और हमारे मन, हृदय और दिमाग का कंट्रोलर। इसीलिए हमें खुद को सरल रखना चाहिए ताकि हम यूनिवर्स के इस अनंत बातचीत को समझ सके और उसका सही मतलब निकाल सके। यूनिवर्स का संदेश सुनने के लिए यह जरूरी है कि हम अपने मन को शांत रखें। इसके लिए हमेशा शारीरिक, मानसिक और आत्मिक रूप से स्वस्थ रहना चाहिए ताकि हम इस दिव्य संबंध को स्थिर कर सकें। यूनिवर्स हमारी बात सुनता है, लेकिन इसकी भाषा अलग है, इसीलिए हमें मेल करना चाहिए। ये हमारे संकल्प और साथ एक प्रेम और समर्पण भाव से बातचीत करता है। इस समर्पण और प्रेम भाव के साथ हमें अपनी यूनिवर्स सुनना चाहिए, जो यूनिवर्स की चमक, शांति और राज हमें जीने की सीख लेनी होती है। यूनिवर्स हमारे जीवन को विशाल और अंतरिक्ष रूप से मजबूत बनाता है। यूनिवर्स के दृष्टि से हमारी सोच और अपने मन की दृष्टि को बदलकर यूनिवर्स से हमारा व्यक्तित्व और जीवन परिवर्तित होता है। जब हम अपने अंदर की सहजता को प्रकट करते हैं तो यूनिवर्स की दृष्टि हमारे साथ जुड़ जाती है। यूनिवर्स हमारे सपने, उम्मीदें और लक्ष्य को समझने की क्षमता प्रदान करता है। जब हम उसकी दृष्टि को अपनाते हैं तो हम उसके साथ एक रंगीन सफर पर निकल जाते हैं। जब यूनिवर्स आपसे बात करता है तो वो आपके जीवन के साथ एक संवाद या संबंध बनाता है। वह हमें हमारे अनंत बल रूप को समझने और उसमें प्रवेश करने का एक मौका देता है। वह हमें एक प्रकार की दिव्य सहायता प्रदान करता है, जिससे पर हम अपने जीवन में खुशी, संबंध और प्रगति पाते हैं। यूनिवर्स की दृष्टि से हमें एक संपूर्ण जीवन जीने की प्रेरणा देती है। उसकी प्रेरणा हमें समझती है कि हमारा व्यक्तित्व एक अनमोल आभूषण है और हम अपने सपनों और इरादों को पूरा करने के लिए शक्ति प्राप्त कर सकते हैं। हमारी दृष्टि के साथ यूनिवर्स की दृष्टि से मिल जाने से हमारी प्रगति के मार्ग में मदद मिलती है। इस प्रकार जब हम अपने जीवन में यूनिवर्स की दृष्टि को समझते हैं तो यूनिवर्स हमारी बातें सुनने के लिए तैयार हो जाता है। यूनिवर्स हमारी बातें, ख्वाहिशें और प्रार्थनाओं का सम्मान करता है। वह हमारी आवाज सुनता है और हमें उसका साथ और अपना गाइडेंस जरूर देता है। पर इस बात को समझना जरूरी है कि यूनिवर्स के संदेश को सुनने के लिए हमें अपने मन और दिमाग को खुला रखना होगा। हमें अपनी दृष्टि को बदलना होगा, अपने छोटे से विश्वास को पर करना होगा ताकि हम इस बड़े से रूप को समझ सकें। खुलापन यानी कल्टीवेटिंग स्विफ्टनेस, यह हमारे अंदर एक प्रकार की स्थिति है जहां हम हृदय और दिमाग को खुला रखकर यूनिवर्स के बात सुन सकते हैं। जब हम खुले हृदय से जीवन को देखते हैं तो हमारे अंदर का मन और संवेदना जागृत हो जाती है। इसी तरह हम यूनिवर्स के साथ एक संवादिक संबंध बनाने लगता है। यूनिवर्स हमारे साथ हमेशा बात करता है, लेकिन हमें इसकी बातें को सुनने की क्षमता की होनी चाहिए। जब हम अपने हृदय और दिमाग को खुला रखकर यूनिवर्स के संदेश और संकेत को समझना की कोशिश करते हैं, तब हम उसके साथ संवाद कर पाते हैं। खुलापन लाना, यह हमारी समस्याओं और प्रतिभाओं को दूर करने का एक मध्य है। खुलापन लाने से हम अपने स्वाभाविक अस्तित्व से जुड़ते हैं। हमारी अल स्वभाव में ही हमारा सम्यक संबंध यूनिवर्स से बनता है। जब हम अपने अंदर की सहजता और संवेदना को महसूस करने की सुविधा प्राप्त करते हैं, तब हम अस्तित्व के उस अंतरिक्ष साथी से मिलते हैं जो हमें सच्चाई और दिशा में प्रेरित करता है। यूनिवर्स की मधुर ध्वनि को हम सुन सकें, उसके संकेत को समझ सके और उसके साथ साथ चल सके। जब हम खुलापन लाते हैं तब हम अनुभव करते हैं कि यूनिवर्स हमें संकेत भेजता है। हमारे सपनों में, हमारी अनुभूति में और कई बार अतीत और भविष्य के साथ होने वाले संबंधों में इस समय हमें अपने अंदर के मन और संवेदना को जागृत रखना जरूरी है। हमें अपने मन और हृदय में स्थिरता और शांति को स्थान देना चाहिए। जब हम इस तरह से अपने अंतरिक्ष साथी से जुड़े रहेंगे तभी हम यूनिवर्स के संकेत का रहस्य समझ पाएंगे। जब हमारा मन और हृदय खुला होता है तो हम यूनिवर्स के मधुर संदेश को सुन सकते हैं। हम उसके संगीत के उसके साथ साथ चल सके। जब हम खुलापन लाते हैं तब हम अनुभव करते हैं कि यूनिवर्स हमें संकेत भेजता है। हमारे सपनों में, हमारी अनुभूति में और कई बार अतीत और भविष्य के साथ होने वाले संबंधों में इस समय हमें अपने अंदर के मन और संवेदना को जागृत रखना जरूरी है। हमें अपने मन और हृदय में स्थिरता और शांति को स्थान देना चाहिए। जब हम इस तरह से अपने अंतरिक्ष साथी से जुड़े रहेंगे तभी हम यूनिवर्स के संकेत का रहस्य समझ पाएंगे।
जब हमारा मन और हृदय खुला होता है तो हम यूनिवर्स के मधुर संदेश को सुन सकते हैं, हम उसके संगीत के स्वर को महसूस कर सकते हैं। वही हम उसके अनंत राज को समझना का और उसमें प्रेम और आस्था से स्थिर हो जान का मौका पाते हैं। यूनिवर्स हमारे अस्तित्व से जुड़ी एक अद्भुत स्थिति है। इसने हमें अनंत गुनाह से सजे हुआ है, लेकिन ये जो यूनिवर्स है यह हमारे समझ से परे भी है। इसकी प्रकृति, इसकी शांति और इसके रहस्य हमें गहराई में ले जाते हैं और हमें बहुत कुछ सीखने का मौका देते हैं। यूनिवर्स से सीखने का मतलब है कि हम अपने जीवन में यूनिवर्स के ज्ञान को प्राप्त करके प्रगति करें। यूनिवर्स के संदेश, उसका समाज, वही अस्तित्व और उसके राज हमें बहुत कुछ शिक्षा देते हैं। जब हम अपने आसपास देखें तो हम देखते हैं कि यूनिवर्स किस तरह से एक लाइवली और हर जीनियस है। उसकी अनंतता, उसके तारे और यूनिवर्स की संगति हमें यह सिखाती है कि हम भी एक समन्वयी संगठन है। हमें समझना चाहिए कि हमें भी इस समन्वय और सजीवता का हिस्सा समझा जाता है। जब हम यूनिवर्स से सीखते हैं तो हमें अपनी दृष्टि बदलने की और अपने जीवन में नई दिशा की खोज करने की प्रेरणा मिलती है। यूनिवर्स की आनंदता और उसकी रहस्यों को समझना के लिए हमें खुद को बदलना पड़ता है। हम समय और स्थिति के साथ जुड़े व्यक्तित्व से पैर बढ़कर अपने जीवन में अनंत संभावना खुद कर सकते हैं। आपको एक छोटे से एग्जाम्पल के जरिए समझना चाहता हूं कि यूनिवर्स आपसे कैसे बात करता है। राहुल एक बिजी शहर में रहने वाला व्यक्ति था। एक दिन वो अपने काम में व्यस्त था और जल्दी से ऑफिस से घर जाने की तैयारी कर रहा था। उसे समय की कमी थी, जिसके कारण वह अपनी सुरक्षा के लिए पूरी तरह से तैयार नहीं था। तब वह अपने घर की तरफ जा रहा था तो उसने सड़क पर देखा कि एक बच्चा अकेले रो रहा था। राहुल ने समझा कि बच्चे के घर वाले कहीं गए होंगे और वो समय की कमी के कारण उन्हें ढूंढने नहीं जा सकता है। लेकिन जब उसने बच्चे को देखा तो वो अचानक से एक अजीब सा एहसास महसूस करने लगा। जब बच्चे ने राहुल से मदद मांगी तो अनजान राहुल को कैसे यूनिवर्सल वाइब्रेशन उस बच्चे से महसूस हुई। इस इंसिडेंट की प्रेरणा से राहुल उस बच्चे के पास गया और उसे समझने की कोशिश की। कुछ डर बाद वो जान गया कि बच्चा घर से भटक गया था और अब वो घर कैसे पहुंच सकता था उसे यह मालूम नहीं था। राहुल बिना कुछ सोच झट से उसे बच्चे को अपने घर ले गया और उसकी फैमिली को इन्फॉर्म किया। बच्चे की जान बच गई और उसकी फैमिली ने राहुल का आभार व्यक्त किया। इस घटना ने राहुल को समझाया कि कभी कभी यूनिवर्स हमसे बात करता है। जैसे राहुल ने अपनी यूनिवर्सल इंसिडेंट पर भरोसा किया और उस बच्चे को बचाया। ये घटना उसको यह समझना में मदद करती है कि यूनिवर्स हमारे साथ एक गहरा संबंध रखता है और हमें कभी कभी अपने अंतरिक्ष साथी की मदद के लिए तैयार होना चाहिए। इस प्रकार ये उदाहरण दिखता है कि जब हम अपने अंदर की सहजता को समझते हैं और यूनिवर्स की बात सुनते हैं तो वो हमें कभी कभी अनोखी तरीके से मदद करता है। जैसे कि किसी की जान बचाने में यह हमारे लिए एक प्रेरणा का उदाहरण है कि यूनिवर्स हमारे साथ हमेशा है और हमें अपने आप पर और यूनिवर्स की मदद के लिए खुला दिल से तैयार रहना चाहिए। इसीलिए दोस्तों, अपने आप को यूनिवर्स के लिए खोलें, दिल आगे बढ़े और उसकी मधुर भाषा में बातचीत करें और उसके अनंत राज को समझें और अपने जीवन को उसकी प्रेरणा से सजा दें। यूनिवर्स आपसे बात करेगा, बस हमें खुद को उसकी आवाज तक पहुंचाना होगा। इस वीडियो को अपना कीमती समय देने के लिए आपका दिल से धन्यवाद। दोस्तों, अगर ये वीडियो आपको पसंद आई हो तो लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। धन्यवाद।